अल्लाह ताला ने मोहब्बत के बेशुमार रंग हमारे इर्द गिर्द भर दिए हैं और इनके साथ इतने खूबसूरत एहसासात से हमें वाबस्ता कर दिया है कि हम लाख चाहें मगर इनसे पहलू तय नहीं कर सकते। इन खूबसूरत रंगों में एक दनक माँ की है जो इस दुनिया में आँख खुलते ही हमें अपने मोहब्बत भरे रंगों में छुपा लेती है। माँ जिसकी आगोश हर दुख और गम भुला देती है, ऐसी एक माँ जिसका ताल्लुक शोबिस से है, जिन्होंने अपने शोहर की वफात के बाद हिम्मत ना हारी और जो अब भी अपनी औलाद के लिए मजबूत सहारा बनी हुई है। बाप चला जाए तो बच्चे सरवाइव कर लेते हैं माँ के ऊपर, क्योंकि माँ जो ऐसी चीज है कि वो बाप भी बन जाती है और माँ भी बन जाती है और हर रिश्ता अपने बच्चों के साथ रखती है। एक ये नाम ही अल्लाह ताला ने ऐसी ठंडी छांव की तरह रखा है कि नाम लेते ही बड़ा सुकून सा मिलता है। तो मैं इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये वाला दिन जो है बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। और मतलब दुनिया में क्या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, हमारे चैनल्स पे भी होती है। और जो लोग माओं की कदर नहीं करते, मेरा ख्याल है कि वो कभी जिंदगी में खुश भी नहीं रहते। अपनी तमाम तर कामयाबियों में अपनी माँ के किरदार को उनकी औलाद भी तस्लीम करती है। जो होते थे हम अपने स्कूल डेज में होते थे तो माई मदर वॉज अ वेरी यू नो प्रॉपर हाउस वाइफ जो होती हैं, जैसे प्रॉपर घर देखना। और मुझे याद है हम लोग बहुत छोटे होते थे उस टाइम पे, हमें स्विमिंग क्लास अलग जगह पर और म्यूज़िक सीखने और एक जगह हम ऑर्गन सीखने जाते थे, फिर हम एक लैंग्वेज क्लास में जाते थे, फिर हम टाइकोंडो सीखने जाते थे। तो यू नो शी यूज़ टू ड्राइव अस एवरीवेयर। डैडी की डेथ के बाद अम्मी ने कभी भी नहीं कमी, किसी चीज़ की भी कमी महसूस होने नहीं दी। यहाँ तक कि मेरी शादी पर डैडी जिंदा थे और जिस तरीके की शादी मेरी हुई थी बिल्कुल उसी तरीके की, उसी स्केल पे वैसी ही शादी उन्होंने बिल्कुल मेरे बहन की भी की, जबकि डैडी नहीं थे, अकेली थी वो करने वाली, मगर स्टिल बिल्कुल हमें आज तक कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि डैडी नहीं है। ये अजीम माँ स्क्रीन के पर्दे पर मुख्तलिफ किरदार निभाती हकीकी जिंदगी में बेशुमार मसाइल और मुश्किलात के पहाड़ों का सामना करती, अपनी औलाद के लिए मजबूत साहिबा की सूरत में इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा है। मगरिब में माँ का आलमी दिन मनाने का मकसद कुछ भी हो, लेकिन हमारे मजहब इस्लाम में माँ की अजमत का रुतबा, कभी इसके पैरों तले जन्नत और कभी इसको मुस्कुरा के देखने पर हज के बराबर सवाब करार दिया है। तो सिर्फ एक दिन माँ को खराज अकीदत पेश करने के लिए काफ़ी नहीं। कैमरामैन सैयद मुनीर के हमरा अतिया मिर्ज़ा, मेट्रो 1, कराची।